हेलो दोस्तों, मैं हूं राज यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब मिस्ट्री। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रिट टेस्ट। आप मैदा, चक्की आटा, मील आटे, बेसन किसी का भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम CCL4 का यूज़ करते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हम करते हैं ग्रिट टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी चीज़ें पहले से ले रखी हैं। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को एक जगह लेकर, ये देखिए इसमें है चक्की आटे का सैंपल जिसका हमको ग्रिट टेस्ट करना है। ये है स्पैचुला, ये है CCL4। CCL4 बहुत ही संभाल के यूज़ करें क्योंकि ये गुर्दों को बहुत क्षति पहुंचा सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। इसके लिए हम सुरक्षा डेटा सीट का यूज़ करते हैं। लंबे समय तक एक्सपोज कोमा या मौत का कारण भी हो सकता है। उच्च सांद्रता का एक्सपोज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है और यकृत और गुर्दों के लिए अब काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसकी MFD वगैरह चेक करने के बाद ही हम इसका यूज़ करते हैं। इस परख नली में, टेस्ट ट्यूब में हम 5 ग्राम सैंपल लेंगे और उसके बाद इसको CCL4 डालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, CCL4 हमारे शरीर में टच नहीं होना चाहिए, यह हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह एक ग्रीन हाउस गैस की तरह भी कार्य करता है जो इन्वायरमेंट सिस्टम के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो इसमें हम 5 ग्राम सैंपल लेते हैं चक्की आटे का। यह एक ऐसा यौगिक है जो जैविक रसायन शास्त्र में एक लोकप्रिय विलायक के रूप में कार्य करता था, लेकिन इसके नुकसान की वजह से ये पूर्ण तरह से बैन है। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है। ये हल्का सा शरीर को टच करने पे ठंडा लगता है। इसमें ईथर के जैसी गंध आती है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें थोड़ा सा इतना सैंपल डालेंगे कि वो चक्की आटे, मील आटा, जो भी आपने सैंपल लिया उसको पूरी तरह से डुबो दें और डूबने के बाद जो सैंपल होगा धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठ जाएगा और उसमें जो भी ग्रिट होगी वो नीचे बैठी रहेगी। नीचे बैठी ग्रिट को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जिससे आप ग्रिट टेस्ट में जो परसेंटेज आता है वो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रिट टेस्ट। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कृपया CCL4 को बहुत ही सावधानी से यूज़ करें। ये एक ऐसा विलायक है जो जल में घुलनशील है। इसका यूज़ सफाई उद्योग में, अग्निशयंत्रों में और HBSR में रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य किया जाता है। ये एक कार्बनिक यौगिक है। इसकी गंध मीठी होती है। यह एक रंगहीन तरल है। कम ताप पर या कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन अधिक ताप पर या बहुत ही खतरनाक फास्फीन गैस, बहुत ही जहरीली गैस होती है, इस तरह का रिएक्शन करता है। तो आप देख सकते हैं ये पानी की तरह होता है, पानी में विलय होता है, लेकिन यह यकृत और गुर्दे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसका यूज़ बहुत ही सावधानी से करें। यह हमारी केंद्रीय तांत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, इनहेलिनेशन हो जाता है और ये नर्वस सिस्टम को तो बहुत ही हानिकारक। टेस्ट से हमको पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में ग्रिट की मात्रा तो नहीं है जो हमारे शरीर में पत्थर बना सके, स्टोन बना सके और हमारे शरीर को क्षय कर सके। तो इसलिए हम इसका टेस्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपको मिलावटखोरी से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जय हिंद।